भगवान साथ में नहीं थे, तो हवाई जहाज की तरह लेकर के उड़ा था अब बाद में बलराम जी मारे थे उसके सिर पर, गिर गया जमीन पर। जो भी हो, कृष्ण जो लीला किए हैं उसको कहीं कहीं कहा गया है कि बलराम जी ने वध किया, और बलराम जी ने जिसका वध किया उसके लिए कहा गया है कृष्ण ने वध किया। एक टीकाकार लिखते हैं कि लड़कों ने आकर के कहा होगा, वहाँ एकदम हिसाब कौन देने जाए कि इसको इसने मारा है। मारने में दोनों ही तेज थे, कृष्ण और बलराम, तो बच्चे ऐसा रिपोर्ट देते थे। अथवा कुछ काल बीतने के बाद लोग भूल जाते होंगे कौन किसको मारा, ये कौन देवरा रख है तो कह देते थे कृष्ण ने मारा। तो नंद बाबा यहाँ कह रहे हैं, प्रलम्बो धेनु को अरिष्ट तृणावर्त बकादया दैत्यासुरासुर जितो हता जेने हलीलया, जिसके द्वारा कृष्ण के द्वारा लीला पूर्वक के लोग मारे गए। बकादया, बक आदि, बक आदि से तात्पर्य कम से कम उसकी बहन और उसका भाई, दो तो आ ही जाएंगे तत्काल, अघासुर और पुतना, सब बकी बकानुजा। बकी और बक का छोटा भाई था अघासुर, एक का नाम था बकी और एक का नाम था बक और एक का नाम था ऑग लेकिन किसी भी देवता आदि से परम सौभाग्यशाली है, भक्तों से भी ज्यादा सौभाग्यशाली है, भगवान के साथ इनका संपर्क हुआ। ये सब श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए, तृणावर्त और तृणावर्त, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, जो बैल के रूप में, सांड के रूप में गया था ब्रज में, बड़ा बड़ा भय उत्पन्न कर रहा था। इसकी सिंह पकड़ करके भगवान ने इसको ठेला पीछे और इसके बाद पटक दिया, उसका मस्तक ऐंठ करके पटक दिया और इसके बाद पैर दबा करके उसका सिंह उखाड़ लिया, उसी से मारा उसको। अरिष्टासुर, प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, धेनुक तो गधे के रूप में आया था, बलराम जी ने मारा था। इनकी विशेषता श्री नंद महाराज बता रहे हैं, सुरासुर जीत, सुर असुर सबको जीत लिए थे लोग, और इनको खेल खेल में कृष्ण बलराम ने मार दिया। हे उद्धव, इसी से मैं संभावना कर रहा हूं कि ये दोनों देवताओं में श्रेष्ठ है। तो पहाड़ कोई मनुष्य कैसे उठाएगा, वो भी बच्चा 11 वर्ष का 7 वर्ष का, कैसे संभव हो सकता है। ये सब प्रमाण दे रहे हैं, आर्ष प्रमाण और लोक प्रमाण, हमने ही केवल नहीं देखा था और लोगों ने देखा था, नंद बाबा कहने का आशय सुना था। तो मैं तो, नंद बाबा रो रहे कहते, मैं तो भगवान मानता उनको, पुत्र नहीं मानता। तब रो क्यों रहे हैं, पुत्र नहीं मानते हैं तो रो क्यों रहे हैं। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्त धी, कृष्णानुरक्त धी नंद इति संस्मृत्य संस्मृत्य। इस प्रकार बारंबार भगवान की लीलाएं उनके हृदय में छा रही थी, वे स्मरण कर रहे थे। ये तो केवल शब्द की एक पकड़ है, इसको ऐसे कहा जाता है, लेकिन वास्तव में स्मृत्य संस्मृत्य स्मरण करके वे इस तरह से रो रहे थे, और कुछ देर में, कुछ काल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। अब आगे वर्णन की सामर्थ्य नहीं रही, बोल नहीं सके। तो लीलाएं धारावाहिक नंद बाबा के हृदय में आ रही हैं, मथुरा में जो देखे थे वो सब लीलाएं, और ब्रज में। तो ये ऐश्वर्य परक लीलाएं तो याद आ ही रही थी, और इसके साथ साथ कृष्ण का हंसना,
कृष्ण का बोलना मचलना और अज्ञता उनकी और बाबा के प्रति और माँ यशोदा के प्रति जो प्रेम के वाक्य बोलते थे वो सब स्मरण आते थे, क्योंकि कृष्णानुरक्त थी, इस स्वभाव से ही कृष्ण में अनुरक्त बुद्धि वाले हैं, उनका हृदय अनुरक्त रहता है। और उद्धव जी के आने पर और अधिक कृष्ण की लीलाएं उठने लगी हृदय में, क्योंकि उद्धव जी कृष्ण जैसा भेष धारण किए थे। और अधिक याद आ रही है, अति उत्कंठ भवत तुष्णिम, कृष्ण को देखने के कृष्ण से मिलने की अति उत्कंठा उत्पन्न हुई और इस कारण से उनका गला वाष्प से भर गया है और आगे कुछ भी बोलने में करने में ये प्रश्न पूछने में समर्थ नहीं थे। उद्धव जी से न कुछ पूछ रहे थे न बोल रहे थे और न कुछ कर रहे थे। अभवत तुष्णिम, कुछ काल के लिए वे बिल्कुल चुप हो गए। चुप हो गए मतलब अब आगे बोलने की शक्ति ही नहीं थी। उद्धव जी देख रहे हैं कि नंद बाबा बोलना चाहते हैं लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है, गला इतना गदगद हो गया कि प्रेम प्रसर बिहवला, प्रेम की ऐसी बाढ़ उमड़ी, प्रसर प्रसर का अर्थ प्रसार, प्रेम इतना उत्पन्न हुआ, पुत्र स्नेह इतना उत्पन्न हुआ कि इसके लिए बिहवल हो गया और बोल नहीं सके। वहीं पर माँ यशोदा बैठी थी, तो जैसे नंद बाबा कृष्ण के विषय में बोल रहे थे वैसे यशोदा जी बोल नहीं पाई कुछ भी। यशोदा वर्णमानानी पुत्र स चरितानी च श्रीमंती, यशोदा केवल अपने पुत्र के वर्णन को सुन रही थी, श्रीमंती और सुनती थी और अश्रुणी अवाश्राक्षित, केवल उसके आंखों से आंसू झर रहे थे। वो तो कुछ पूछ नहीं सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी कि हमारा बेटा कैसे है मथुरा में, ठीक है ना, इसको पूछने की भी शक्ति उसमें नहीं थी, केवल सुन रहे थे। और उसके आंच उसका वस्त्र सब आंसू से भींगा हुआ था, इसके साथ स्नेह स्नुतपयो धरा और अपने पुत्र श्री कृष्ण के स्नेह के कारण उसके अस्तनों से दूध झर रहा था। तो आंखों से अश्रुणी और स्तनों से दूध झर रहा था। नंद बाबा तो कुछ पूछ लिए थे समाचार, कुछ कृष्ण के बारे में बोल चुके थे, लेकिन यशोदा कुछ भी नहीं बोल पाई, केवल अपने पति के मुख से श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुन भर रहे थे, सुन रहे थे, आंसू बह रहे थे, स्तनों में दूध चू रहा था। इस तरह से यह दिखाया गया कि नंद बाबा से भी अधिक प्रेम की बाढ़ माँ यशोदा में थी, इसीलिए तो कुछ भी नहीं बोल पाई। उद्धव जी इस दृश्य को देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले जो भी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं यशोदा और नंद बाबा, वात्सल्य भाव में और माधुर श्रृंगार भाव में श्री गोपीजन। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि ये भक्ति के सब कई स्तर हैं, कई रूप हैं, जैसे पहला है शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो मधुर रस भगवान को अपना प्रियतम मानना ये सबसे श्रेष्ठ है, ये परिपूर्ण है, लेकिन इसके लगभग समकक्ष है वात्सल्य भाव, इसमें अत्यधिक ममता है भगवान के प्रति। केवल एक चीज थोड़ा सा कम रह गया, वो है सर्वात्म समर्पण, जो मधुर भाव में ये आता है, और सब चारों गुण तो रहते ही हैं,
तो इस तरह से मधुर भाव परिपूर्णतम भाव है भगवान के प्रति, लेकिन भगवान को अपना पुत्र मानना और पुत्र मानकर उनके योगक्षेम की चिंता करना, यह बहुत उन्नत भाव है। इसीलिए इसे चौथा भाव कहा गया है, चौथा वात्सल्य भाव, इसके बाद मधुर भाव। श्री उद्धव जी इसको देख रहे हैं। अब पहले सुने थे कि उद्धव जी सबसे बड़े विद्वान हैं, भगवान के भक्ति के विषय में जानते थे कि भक्ति के सब स्तर हैं ऐसे ऐसे, लेकिन अपने आँखों से आज देख रहे हैं कि भक्ति किसे कहते हैं, वात्सल्य भाव क्या है। इतना ऐश्वर्य वर्णन के बाद भी जो स्वयं ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे नंद बाबा, लेकिन उनका भाव शिथिल नहीं हुआ। जो किसी भी काल में शिथिल न हो उसी को तो भाव कहते हैं और अनुराग कहते हैं। जो राग दिन पर दिन बढ़ता जाए, नित्य नूतन रहे, नवनवायमान रहे, उसको अनुराग कहते हैं। ये अनुराग की परिभाषा है। तो यहाँ पर उद्धव जी देख रहे हैं। तयोरित्थं भगवते कृष्णे नंदजसोदयः वीक्ष्यानुरागं परमं नंदमाहोद्धवो मुदा। हे महाराज परीक्षित, श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, तयोः नंदजसोदयः भगवती कृष्णे इत्थम अनुरागम, इत्थम परमम अनुरागम वीक्ष्य उद्धव नंदम आह। तयोर इत्थम भगवती कृष्णे नंद जसोदय। वास्तव में ये सब श्लोक ऐसे हैं जिनकी व्याख्या करना भी कठिन है। इत्थम शब्द दिया गया है यहाँ पर, इत्थम माने ऐसा। उद्धव जी ने देखा, भक्ति के सिद्धांत को सुने थे, स्वयं भगवान के साथ ही रहते थे, उनके मित्र हैं। जैसे छह गुण को पहले वर्णन किया गया, वृष्णी नाम परवरो मंत्री कृष्णस्य अद्वैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। वे जब देखे इस तरह का अनुराग, इत्थम अनुरागम, इस तरह से नित्य नवीन होता हुआ अनुराग, कृष्ण के प्रति राग, परमाशक्ति, कृष्ण में अनुराग देखे, कृष्ण में। भगवती, भगवती का अर्थ है भगवान में, भगवान में अनुराग। जो छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं और ब्रह्मा शिव आदि जिनके चरण नख की पूजा करते हैं, जिनके चरणों के दास हैं, ऐसे श्री कृष्ण में जो सबके पूज्य हैं, सबके पालन करता है, सबको बस में रखते हैं, ऐसे भगवान में इत्थम अनुरागम, इस प्रकार का अनुराग, उनको पुत्र मानना, जो जगत के ईश्वर हैं, जगत में सबको वही पैदा किए हैं, लेकिन उनके प्रति यह भाव कि ये हमारे पुत्र हैं, भगवती कृष्ण इत्थम परम अनुरागम, परम अनुराग, सर्वश्रेष्ठ अनुराग देख करके उद्धव जी को बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्न हुए और वे मानने लगे कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैं ब्रज में जो आया और नंद महाराज और जसोदा जी से मेरी भेंट हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, बहुत प्रसन्न थे। श्रीपद सनातन गोस्वामी लिखे हैं कि यद्यपि चाहिए तो ये चाहिए यह था कि नंद जसोदा के दुख को देख करके उद्धव जी भी रोए, दुख होने की बात है ना, लेकिन उद्धव जी बहुत आनंदित थे। ये नंद बाबा और जसोदा जी को सुख देने गए थे, समझाने गए थे, अगर ये भी उनके साथ रोने लगे तो क्या समझाए होते। आखिर ये सबसे बड़े विद्वान हैं,
कृष्ण के सखा हैं। भगवान ने कहा था कि जैसे उद्धव मेरे संदेश द्वारा और अपने वाक चातुर्य से जैसे भी हो मेरे माता पिता को सुख देना समझाना। तो जब नंद महाराज रो रहे थे, जसोदा भी वहीं पास में बैठी थी, रो रही थी, झरझर आंसू निकल रहे थे, तो क्या उचित था कि उनके दुख को सुन करके और उद्धव जी भी जा करके रो में गला पकड़ करके, तो क्या समझाने गए थे। एक तो यह बात है कि वे समझाने गए थे, सुख देने गए थे, तो स्वयं रोने ठीक नहीं था। और रोने रुलाई आवे तब न रोए आदमी, रुलाई आ नहीं रहे थे। स्त्रियों जैसा झूठ मूठ के कोई रोती है तो वो भी रोने लगती है गला पकड़ कर, रुलाई आवे चाहे न आवे ऐसे। ऐसा उद्धव जी करने नहीं गए थे। एक तो उनको रुलाई आ नहीं रही थी, वे तो परम आनंद में हो गए कि ये दिव्य भगवत प्रेम का मैं जो स्तर देखा नंद जसोदा में, वैसे मैंने प्रेम देखा वसुदेव जी में और देवकी में। लेकिन आगे वे कहेंगे कि वो प्रेम श्लाघ्यतर है, लेकिन नंद जसोदा का प्रेम तो श्लाघ्यतम सबसे श्रेष्ठ प्रशंसनीय है, सबसे श्रेष्ठ भगवान के प्रति पुत्र भाव। तो उनको आनंद आ रहा था, यद्यपि नंद जसोदा दुख में थे, लेकिन उद्धव जी जानते थे कि भगवान के विषय में जो दुख होता है, प्रेम है, रोना या शरीर में विकार, वाणी में विकार, जो भी, ये तो परम भाग्य की बात है। इसलिए वो दुख का अनुभव नहीं कर रहे थे, वो सुख का अनुभव कर रहे थे। नंद जसोदा के परम प्रेम को देख करके वे सुखी थे और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि बहुत अच्छा किए श्याम सुंदर हमको यहाँ भेजे ब्रज में। फिर अभी तो नंद जसोदा का भाग्य देख रहे हैं, गोपी जनों से जब भेंट होगी तो उनके चरणों में ही लौटने लगेंगे, चरण धोली में। वो तो और श्रेष्ठ था, परिपूर्णतम था। इसलिए उद्धव जी स्वयं विकलता व्यक्त नहीं कर रहे थे, परम आनंद में थे। नंद बाबा जब इस तरह से रो रहे थे, चुप हो गए, बोली नहीं निकल रही थी, बोली नहीं निकले और दांत लग जाए तो लोक में तुरंत पानी लेकर दौड़ेंगे, छींटा देंगे मुख पर, दांत उनका खोला जाए, है ना, दांत लग जाता है। ये दशा नंद बाबा की थी, दांत नहीं लगे थे लेकिन बोली नहीं निकल रही थी, आंसू गिर रहे थे, जसोदा रो रहे थे। उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके भाग्य की सराहना करते हुए उद्धव जी कहने लगे, कि उद्धव जी बहुत प्रसन्न थे। मुदा शब्द का अर्थ है ये, नंदम आह, नंद बाबा से बोले। यहाँ पर दोनों से बोले ऐसा नहीं कहा गया, नंद जसोदा से बोले ऐसा नहीं कहा गया, कहा गया नंदम आह, वाच नंद बाबा से बोले। क्योंकि जसोदा जी से क्या कहेंगे, वो बेचारी तो इतना रो रही थी, दुख में थे, वो तो सुनते ही नहीं। या नंद बाबा के साथ वो भी बैठी है तो एक ही के प्रति कहने लगे, माँ जसोदा से कुछ नहीं कहे। जबकि भगवान ने कहा था कि माँ से ये बात कहना कि जब से मैं वृंदावन से आया मथुरा तब से मुझे कोई कन्हैया नहीं कहा। कन्हैया एक अरेर मारना है, कृष्ण नाम को ही कन्हैया कहते हैं। कृष्ण नाम यह सुनो गर्ग ते कान कान कही बोले। नगली दास जी ने लिखा है कि कृष्ण नाम ब्रजवासियों ने सुना, नंद बाबा ने सुना, तो कृष्ण शब्द कहने में थोड़ा पटाह लगता है। जैसे महामंत्र भी जपते हैं तो राम राम तो ठीक से उच्चारण होता है, कृष्ण किन 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 कहकर पार करते हैं। कोई कोई लगा ऐसे जप करते हैं, साफ है नाम का उच्चारण करना कठिन होता है।
कई लोग ऐसे करते हैं, किस 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 भी कर देते हैं। इसलिए पंजाबी लोग तो किशन ही कहते हैं, किशन, कृष्ण नहीं कहते हैं। तो ब्रजवासी सुने कृष्ण, तो नंद बाबा ने सुना, इसके बाद उन्होंने बताया इसका नाम कृष्ण है, कृष्ण है, तो लोग फिर कनुआ कनुआ कहने लगे, कान है कान, इसका कन्हैया कन्हैया, अरे मार करके, अरे कन्हैया, कन्हैया मतलब कृष्ण। तो भगवान कहे उद्धव जी से कि जब से मैं वृंदावन से आया मथुरा में मैं कोई मुझे कन्हैया नहीं कहा, और किसी दिन सवेरे मुझे कलेवा नहीं मिला माखन रोटी का, और वहाँ खा भी नहीं सकते थे, कोई माखन रोटी नहीं दिया, और शाम को धारोष्ण दूध नहीं मिला मुझे गाय का। अब तो वहाँ नियम है खाने का कि भाई 2 बजे खाइए, 3 बजे खाइए, और तब तक राम राम कीजिए। साधुओं में सब नियम है, और बड़े बड़े लोगों में भी खाने का टाइम भी नहीं रहता है उन लोगों को। खास करके जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, राजा होते हैं, तो उनको खाने का टाइम नहीं रहता है। एक व्यक्ति एक दिन कहा किसी दूसरे साधु से, हमसे नहीं, कहा कि आप यहाँ आइए, यहाँ आइए, साधु कहा, तो वो व्यक्ति कहा महाराज वहाँ आने की बात आप कह रहे हैं, मरने की भी फुर्सत नहीं है हमको। मरने की भी फुर्सत नहीं है, वहाँ नहीं आ पाऊंगा मैं। कौन सुना रहा था हमको याद नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं, तब खाने की फुर्सत कहाँ से होगी। सवेरे किसी तरह चाय और चाट करके और दिन भर रहते हैं, शाम को खाते हैं। पीते थोड़े हैं, वो पीना जब 1-2 किलो पिए तब न पीना कहा जाएगा। चाय फूक 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 कर लगता है कोई दवाई ले रहे हैं। और चाय बेचने वाले कप, प्लास्टिक का गिलास या मिट्टी का बर्तन और छोटा करते जा रहे हैं, और छोटा करते जा रहे हैं, और दाम उसका बढ़ाते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। सार्वभौम जी कहते थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि आदमी को पानी पीने को मिलेगा तो ड्रॉपर से, ड्रॉपर कान में डाल दे, उससे दिया जाएगा पानी। अभी भी दुर्लभ होने लगा है, तो बोतलों में पानी अब बंद मिलने लगा है। तो हम लोग देखे हैं कि नदियों में पानी भरा रहता था, गंगा जी में सब में, लेकिन गंगा जी का पानी पीने लायक नहीं रहा, जमुना जी का तो पहले गायब हो गया, और किसी नदी में पीने लायक पानी नहीं, और नहीं पीने लायक पानी भी नहीं है, ये भी नदियां सूख गई। तो सवेरे खाने को नहीं मिलेगा तो एक दुख ही है, ये मतलब था। तो भगवान कहे कि हमको मथुरा में कभी ठीक से खाने को नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो माँ यशोदा के प्रेम का स्मरण कर रहे थे, उद्धव जी इनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके अनुराग को देख कर। उद्धव उवाच, उद्धव जी कहते हैं, जुआम श्लाघ्य तमो नूनम देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरौ जत्कृता मतिरिदृशे। हे मानद, उद्धव जी कहते हैं नंद बाबा के लिए, हे मानद, हे मान देने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं। उद्धव जी ब्रज में गए हैं तो सबसे बड़ा सम्मान उनका है,
उनके सामने जो भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट हुआ आनंद बाबा में और जसोदा जी में, यही सबसे भारी सम्मान था उद्धव जी का, सबसे बड़ा धन उनको मिला ब्रज में जाकर। सम्मान इसी तरह से होता है, कोई किसी का आदर किया, आदर में अच्छा से खिलाया पिलाया, बहुत सुंदर वचन बोला। और सम्मान में आजकल तो कई तरह का सम्मान होता है, कोई दुल्हा गया है ससुराल तो उसके लिए ड्रामा करना, नाच दिखाना और सब तरह जो भी है। कि उद्धव जी के सामने ब्रज में क्या मिला, भगवान कृष्ण के प्रति अद्भुत अनुराग, अद्भुत पुत्र भाव, स्नेह, इसी को श्री उद्धव जी कहते हैं कि हे मानद, आपने मेरा बड़ा सत्कार किया। वास्तव में इस लोक में जितने भी जीव हैं, देहधारी हैं, और उन देहधारियों में भी जो भक्त हैं भगवान कृष्ण के, उन भक्तों के बीच आप दोनों श्लाघ्य तमव हैं, सर्वाधिक प्रशंसनीय हैं। श्लाघा का अर्थ है बड़ाई, सबसे धन्य आप लोग हैं, आपका जीवन सबसे धन्य है। इसी प्रसंग में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि देवकी वसुदेव का भी पुत्र भाव है भगवान में, लेकिन वह पुत्र भाव कभी कभी शिथिल देखा जाता है, इसलिए वो श्लाघ्यतर हैं। और नंद जसोदा श्लाघ्यतम, श्लाघ्यतम है। यह का अर्थ है भक्तों के समाज में, सामान्य जीवों के लिए नहीं कही जा रही है बात। अन्य सब जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में भी जो वेद के अनुसार चलते हैं, कर्म करते हैं, योग करते हैं, ज्ञान में रहते हैं, वे श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान के भक्त कृष्ण के। पर भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ जीवन है तो नंद जसोदा का जीवन, श्लाघ्यतम। नारायणे अखिल गुरु जत कृता मतिरिद्रिश, अखिल गुरु सबके जो पिता हैं, माँ हैं, सबके पूज्य हैं, सबके जन्मदाता हैं, ऐसे भगवान नारायण में, कृष्ण में आप लोगों ने ऐसी मति की है, ऐसी आपकी मान्यता है, उनको आप पुत्र रूप में ही मानते हैं और इतना उनके लिए चिंतित रहते हैं, अतः आप ही समस्त देहधारियों में, देही नाम देहधारियों में श्लाघ्यतम हैं। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बोल रहा है, भगवान का प्रतिनिधि, किसका जीवन धन्य है जो इस प्रकार से भगवान कृष्ण से कोई संबंध स्थापित करके और भजन करता है। संबंध में भी यदि पुत्र मानता है तो और अधिक श्लाघ्यतर है, श्लाघ्य। नंद जसोदा तो इसमें श्लाघ्यतम है। भगवान को भगवान मानना, ईश्वर मानना, और इस भाव से ही कोई उनको प्रणाम करे, उनका जप करे, तो उसी का जीवन धन्य है। और भगवान के साथ अपना पर्सनल रिलेशन मान करके स्थापित करके कोई भजन करे तो कहना ही क्या। और भगवान वास्तव में अपने हैं। इस जगत में हम लोग कितना क्षणिक और क्षणिक तथा वास्तव में जो संबंध नहीं है वो संबंध स्थापित कर लेते हैं इस संसार में, देखते ही हैं। जन्म के बाद कोई माँ होती है, पुत्र होता है, पिता होता है, ये भी जो संबंध है यह क्षणिक ही है, और जड़ देह का संबंध होता है। और विवाह आदि के द्वारा संबंध होता है, पत्नी बनती है और बच्चे उत्पन्न होते हैं,
ये सब संबंध भी कोई नित्य संबंध नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये देह तक के संबंध रहेंगे। देह तक, देह के अंत तक संबंध निभ जाए तो इसको पक्का माना जाता है, पक्का संबंध है। अगर पति पत्नी का संबंध है देह के अंत तक रह गया तो ठीक, पर देह जाने के पहले ही कितने लोगों का संबंध खत्म हो जाता है। देह अभी रहता है, जीव भी रहता है, और वो भी जीव दूसरे देह में है संबंधी, तो फिर भी कोई ना कोई खटपट हो ही जाती है, बिगड़ जाता है संबंध। पर भगवान के साथ जो जीव का संबंध है वो वास्तविक है, स्वाभाविक है, कोई ऐसा नहीं कि किसी पराये व्यक्ति के साथ, जड़ वस्तु के साथ संबंध हो रहा है। भगवान चिन्मय है और जीव भी चिन्मय है, ज्ञान घन भगवान है, तो आत्मा का संबंध परम आत्मा के साथ वो स्वाभाविक है और वो कभी भी टूटेगा नहीं, किसी भी शरीर में जाएंगे टूट नहीं सकता है। और भगवान के धाम में स्वरूप प्राप्त होता है तो वो तो उसी स्वरूप से शरीर से चलने लगता है, बाकी शरीर बदले भी किसी कारण से दूसरे जन्म में जोनी में जाना पड़े, फिर भी भगवान के साथ वो संबंध टूट नहीं सकता है। भगवान सब शरीरों में साथ रहते हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में बसते हैं, तो बहुत भाग्यशाली और समझदार वे हैं जो ऐसे भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं, उन्हीं का जीवन वास्तव में सफल है। और उसमें भी भगवान को अपना पुत्र माने या प्रियतम माने, स्वामी माने, तब तो कहना ही क्या। और उसमें भी नंद जसोदा का जो भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, यही जीवन का फल है। इसीलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि जुआम श्लाघ्य तमो नूनम देह नानी हमानंद, नूनम का अर्थ है निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप दोनों श्लाघ्यतम हैं। उद्धव जी इनको सबसे बड़ा भाग्यशाली कह रहे हैं। नंद बाबा जसोदा जी सोचने लगे कि हम, हमारे जैसा अभागा कोई नहीं है, हम पुत्र के विरह में मर रहे हैं और ये आकर के बक रहा है कि आप सबसे भाग्यशाली हैं। ये तो ये सोच रहे थे कि ये कौन पागल मथुरा से आ गया, हमारे से ज्यादा भाग्यहीन कौन है, हमारे पुत्र रत्न चले गए मथुरा और हमको भाग्यशाली कह रहा है। कवि ने इस बात को लिखा है, नंद बाबा ऐसा नहीं सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ तक कवि कहा है कि ने कहा कि इसको भगाओ वृंदावन, वृंदावन से मथुरा जाए, कौन आकर के बक रहा है, हम मर रहे हैं अपने पुत्र के विरह में और कह रहे हैं कि आप भाग्यशाली हैं, आपका जीवन धन्य है, सबसे अधिक धन्य है। उद्धव जी इस तरह से बोल रहे हैं, भगवत प्रेम की महिमा पर प्रवचन कर रहे हैं। भगवान ने अपने मित्र को भेजा है ब्रज में, जो भगवान की भक्ति की महिमा को पूर्ण रूप से जानता था, स्वयं भक्ति में लगा हुआ था। उद्धव जी विवाह नहीं किए, सदा भगवान के साथ रहते थे। जब कुरुक्षेत्र में आए भगवान महाभारत युद्ध के लिए, तो उस समय भी उद्धव जी साथ में रहते थे। वो भगवान को बुद्धि देने के लिए थे और सात्यकी और अर्जुन बॉडी गार्ड रहते थे भगवान के, सबसे बड़े धनुर्धर, सबसे बड़े धनुर्विद्या के विशारद, ये लोग अंग रक्षक थे भगवान के, साथ में रहते थे धनुष बाण लेकर। और उद्धव जी भगवान को सहायता देते थे, कभी कहीं भगवान की बुद्धि काम नहीं की तो वहाँ पर राय देने के लिए,
क्या सुंदरता है भगवान की लीला। अपना मंत्री रखे थे, किसी किसी अवसर पर भगवान की बुद्धि काम नहीं करती थी तो उद्धव से पूछते थे क्या करना चाहिए, तो उद्धव जी तत्काल उत्तर देते थे ये करना चाहिए। एक बार की घटना है, भगवान के धाम में द्वारका में सुधर्मा सभा में जरासंध के कैद किए हुए राजा पत्र भेजे भगवान को, दूत भेजे बिहार से कि हमको जरासंध बहुत दुख दिया है, आपका भक्त समझ करके हमको जेल में बंद कर दिया, केवल हम लोग उसको प्रणाम नहीं।